सुनाई पड़ रहा है, गुरु मंत्र मुखे यस्य तस्य सिद्धि नत्ति, बाकी के लोग ऐसे ही बेचारे रगड़े जाते हैं। कबीर ने कहा, गुरु बिन मारा क्या सतकावे, मनवा कस विषो जाए, कैसे हो कल्याण, निगुरा नहीं रहना सुन ले चतुर सुचार। तो आज गुरु पूनम है और उसको व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं, जिन्होंने वेदों के विवाह करके मानव जाति का बड़ा कल्याण किया। उस महापुरुष की स्मृति में जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, इसे सदगुरुओं की पूजा का दिवस है, लल्लू पंजों के पूजा का दिवस नहीं है। हारमोनिया लेके गुरु बन के बैठे हैं या दूसरे झूला छापों का पूजा का दिवस नहीं है। कन्या मन्या कुर तुम मेरा चेला मैं तेरा कुर, ऐसे लोगों की पूजा का दिन नहीं है। जिनको सदगुरु सत तत्व का साक्षात्कार हुआ है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरुओं का ही पूजन का दिवस है। सतगुरु मेरा कवि जी बोलते, सतगुरु मेरा सूरमा, अरे शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का, अरे भरम की कोट, मैं शरीर हूँ और संसार सच्चा है और सुख सच्चा है दुख सच्चा है, ये भरम हटा दे ज्ञान से और तू इन सब का साक्षी है, तू आत्मा है और परमात्मा का सनातन शिव जीव लोग के जीव बुद्ध सनातन है। ऐसे गुरु श्री कृष्ण तत्व का जो ब्रह्मवेत्ता ही कल्याण करते हैं, बाकी के सब तो बुझवाने के लिए जैसे झोला छाप वैद्य खतरनाक होते हैं, ऐसे बुझवाने वाले गुरु तो खतरनाक होते हैं। तो सब बच्चे सुनो सत्संग, तो कन्या मन्या कुर वाले गुरु अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन कबीर जी जैसे, नानक जी जैसे, व्यास जी जैसे, लीलाशाह भगवान जैसे कभी कभी गुरु मिलते हैं। जैसे माँ काली ने रामकृष्ण को कहा, एक पुत्र तो गुरु से दीक्षा ले, माँ तुम्हारा दर्शन होता है, बोले दर्शन होता है लेकिन भावना तीव्र से दर्शन होता है, भावना बदलते अंतर्ध्यान हो जाती है, तो अंतर आत्मा को पहचानेंगे, एक पुत्र पूरे गुरु में उपदेश। तो ऐसे गुरु जी को जाकर आदर का निर्णय आदरणीय साक्षात, और फिर सुख दुख स्वप्न अपना शिव जी कहते हैं, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। हरि भजन का फल क्या है, किम लक्षणम भजनम रसनम लक्षणम भजनम, आत्मा का रस आ जाए, परमेश्वर का रस आ जाए, आदमी को विकारी रस से बचने का अवसर मिल जाए, इसका नाम है भजन। ऐसा नहीं कि भाई गंदा बना लिया पूजा को या इसको उसको, वो नहीं है। ऐसे सदगुरुओं की पूजा है जो पूजवाने के लिए भटकते हैं, उनकी पूजा का दिवस नहीं है। नारायण नारायण नारायण।